नमस्कार दोस्तों, अनियमित कार्य खेद को कड़ी से कैसे नापते हैं इसको जानेंगे। पिछला वीडियो मीटर से नाप करके बताया गया है। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा लंबा वीडियो है इसलिए लिख करके पहले से बना करके दिखा रहा हूँ और कुछ बनाना भी पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए। इस तरह का आपका प्लाट है दोस्तों, इस आकार का, ये इस आकार का है आपका प्लाट। तो आप यहां से यहां तक कड़ी से नापे हैं, चैन से, जरीब से, तो यहां 100 कड़ी आता है, एक जरीब आता है, 100 कड़ी लिख दिया हूं। और ये छोटा इस जगह को नापे हैं, 50 कड़ी आता है। दोस्तों चाहें तो आप और शुद्ध निकालने के लिए यहाँ से भी नाप सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। मैं बताने के लिए बताया हूँ, आप चाहे जितना बार इसको नापेंगे हर कोने को आप जो है नाप सकते हैं, सही और शुद्ध प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 कड़ी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 110 कड़ी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 करी। इसी तरह इधर है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 50 करी, यहाँ से यहाँ तक 100 करी और यहाँ से यहाँ तक 70 करी। और देखिए यहाँ 75 करी, यहाँ 65 करी और यहाँ 60 करी और 45 करी है। सबसे पहले हम इसका औसत निकालेंगे दोस्तों, ये लंबाई का औसत, इस तरह लंबाई है इनका औसत, 1 2 3 4, इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए लंबाई का औसत निकालेंगे, औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। ये सौ कड़ी, 110 कड़ी, 120 कड़ी और 50 कड़ी, 100 कड़ी, 110 कड़ी, 120 प्लस 50 बटे 4 होगा दोस्तों, 1 2 3 4 बटे 4 आंकड़ों की संख्या। अब इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 380 आता है, 380 बटे 4 और इसको भाग करेंगे तो 95 कड़ी आता है दोस्तों। इसी तरह चौड़ाई को नापिए, चौड़ाई को देखिए 50 कड़ी, 60 कड़ी, 70 कड़ी, 75 कड़ी, 65 कड़ी, 60 कड़ी और 45 कड़ी है। ये 60 कड़ी दो बार आया है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चौड़ाई का औसत देखिए, 50 धन 60 धन 70 धन 75 धन 65 धन 60 धन 45 बटे 7 होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 425 होगा और इसको 7 से भाग कर देंगे, कर दीजिए दोस्तों, ये 60.714285 करी होगा, इतना करी आएगा इसका औसत। और इसका स्क्वायर में करी जानना चाहेंगे तो ये लंबाई का करी गुड़े 60 का करी, ये चौड़ाई का करी, सॉरी चौड़ाई का गुड़े चौड़ाई का 60.714285, इस तरह 95 गुणित चौड़ाई है, ये लंबाई है दोस्तों, इतना 5767.8775 स्क्वायर करी है, स्क्वायर करी। लेकिन दोस्तों इससे जो है हेक्टेयर निकालने में दिक्कत जाता है। अब हेक्टेयर में इसको कैसे जानेंगे इसको आइए देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो है देख लीजिए। ये लंबाई है 95 कड़ी, ये 95 कड़ी है तो 95 धन 95 कर दीजिए, 95 धन 95 करेंगे तो 190 होगा। इसी प्रकार चौड़ाई का आप कर लीजिए, 60.714285 धन 60.714285, इसका इस तरह जोड़ेंगे तो बराबर में आ जाता है, जोड़ करके देख लीजिए, इसको ऐड करने पर आ जाता है
21.42857 कड़ी होता है दोस्तों, ऐड करने पर। अब 190 और 121 इसको मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 190 गुणे 121.42857 मीटर से भी निकालेंगे, पूरा वीडियो देखिए, सत्यता की जांच करेंगे। इसको मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाता है ये 23,071.4283, इतना करी आता है दोस्तों। इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख से डिवाइड कर देंगे तो हेक्टेयर में निकल आता है ये 0.02307142833 हेक्टेयर है दोस्तों, इतना हेक्टेयर। इसको 3 डिजिट लेंगे तो 0.023 हेक्टेयर, इतना एंट्री होता है दोस्तों अपने तरफ। ये इजी है दोस्तों। अब इसकी सत्यता की जांच करने के लिए अब मीटर से भी देखते हैं हम लोग, मीटर में क्या इतना आता है 0.023 हेक्टेयर। इसके लिए 95 कड़ी है इसकी लंबाई, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। एक कड़ी, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। अब 95 को इंच में कन्वर्ट कर लीजिए, 95 कड़ी को 7.92 इंच को इंच से गुणा करेंगे तो ये निकल आता है 752.4 इंच। 95 कड़ी का 752.4 इंच। अब पुनः इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2.54 से गुणा कर दीजिए तो आ जाता है 1,911.096 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, 100 से भाग करने पर निकल आता है दोस्तों ये 19 मीटर, 19.11096 ये मीटर आया दोस्तों, इतना मीटर है। 95 कड़ी बराबर इतना मीटर। अब इसी तरह 60, इसको दूसरे तरह से निकालेंगे, 60.714285 कड़ी है चौड़ाई। अनियमितकार खेत का ये चौड़ाई है 60.714285 करी। अब इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए 20.1168 से दोस्तों। एक कड़ी बराबर इतना सेंटीमीटर होता है, इसको लिख नहीं रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग, एक कड़ी बराबर 20.1168 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 60 कड़ी बराबर ये आ जाएगा, 7.71 कड़ी बराबर गुणा करके देख लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए, ये
1221 37 1 2 8 4 8 8 इतना आया दोस्तों, इतना सेंटीमीटर आया है, डायरेक्ट सेंटीमीटर से गुणा हुआ है। अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए मीटर में बदलने के लिए, तो ये 12.21 37 7 1 2 8 इतना निकला। और अब इसको हेक्टेयर में निकालने के लिए पहले 19 मीटर निकला है उसको इसके साथ गुणा कर लीजिए, इसकी लंबाई 19 मीटर निकला है तो 19.11096 को इससे मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये निकल आता है दोस्तों 233.41692349 इतना स्क्वायर मीटर निकला है दोस्तों, स्क्वायर मीटर प्लाट का क्षेत्रफल इतना स्क्वायर मीटर निकला है। और हेक्टेयर में जानने के लिए 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए ये 10,000 से, 10,000 से भाग करेंगे, कैलकुलेट करके देख लीजिए, इससे भाग करने पर निकल आता है 0.02334169923 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर निकलता है दोस्तों। 3 डिजिट लेंगे तो 0.023 हेक्टेयर, जो कि कड़ी और हेक्टेयर में जो पहले निकाले हैं कड़ी को और इसमें, जो कि सही है दोस्तों। इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।